नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना लीजिए। और हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका एक शेयर मित्रों, आपका एक शेयर किसी आपके अपने की, किसी आपके दोस्त की, किसी आपके हमदर्द की, किसी आपके चाहने वाले की जिंदगी में आशा की किरण जगा सकता है, उसके निराशा भरे जीवन में आशा ही आशा ला सकता है, किसी के अंधियारे जीवन में उजाले की किरण बन सकता है। इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे बहुत ही विशेष वास्तु के अनुसार, जान लीजिए घर में कौन सी चीज कहाँ रखें, क्योंकि अगर वो चीजें अपनी जगह हैं तो निश्चित रूप से शुभता प्रदान करेंगी। वास्तु के अनुसार घर बनवाते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। वास्तु विज्ञान का संबंध कंस्ट्रक्शन के साथ साथ दिशाओं का अध्ययन भी है, और वास्तु ये जरूर कहता है कि जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस जगह को भी आप अक्वायर कर रहे हैं, वहाँ की दिशाओं की गणना करके ही अपनी चीज़ों की प्लेसमेंट कीजिए। घर में, ऑफिस में, हर जगह का वास्तु का एक खास नियम है, और ध्यान रखने योग्य चीज़ यह है कि हम अगर गलत जगह को गलत जगह रख देंगे, गलत चीज़ को अगर गलत जगह रख देंगे तो उसके परिणाम भी गलत आएंगे और कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए इस बारे में ज़रूर जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से, नॉर्थ डायरेक्शन। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, इस दिशा में तिजोरी रखना ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ पर विशेष रूप से दुकान का गल्ला जरूर रखा जा सकता है। तिजोरी हमेशा दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए, इसलिए इस दिशा को खाली कभी ना रखें। यहाँ पर चलायमान फाउंटेन रखें। दूसरी दिशा पूर्व दिशा, पूर्व दिशा को खाली रहना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं और इंद्रदेव हैं। बात करेंगे दक्षिण दिशा। वास्तु के नियम अनुसार घर की दक्षिण दिशा में भारी सामान होना चाहिए, पैसे का जमावड़ा होना चाहिए, ये जमा करने की सबसे अच्छी जगह है। इस दिशा में खुलापन या शौचालय नहीं होना चाहिए, ये यम के अधिपत्य की दिशा है, मंगल की दिशा है, ये पराक्रम की दिशा है और धन की दक्षिणा की दिशा है, और उसको पृथ्वी तत्व का स्वामित्व प्राप्त है। बात करेंगे चौथी दिशा पश्चिम। इस दिशा के देवता वरुण हैं और गृह स्वामी इसके शनि हैं। इस दिशा में आपका रसोई घर या टॉयलेट हो सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन रसोई घर अगर होता है तो ध्यान रखें बिल्कुल भी टॉयलेट के पास ना हो, और उत्तर पश्चिम की तरफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर हटके हो। लेकिन ऐसा रसोई घर जो जहाँ पर सिर्फ पेंट्री हो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऑफिसेस में पेंट्रीज होती हैं, वो पश्चिम दिशा में हो सकती हैं। अग्नि जलाने वाला काम यहाँ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ईशान, उत्तर पूर्व दिशा की। यह घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण जो है, ये विशेष रूप से जो दिशा है, यहाँ पर पूजा स्थल, देवालय हो सकता है। इस दिशा में भगवान शंकर का स्थान है, परमेश्वर शिव का स्थान है, जबकि बृहस्पति के आधिपत्य की यह दिशा, यहाँ पर धर्म कर्म का काम किया जाता है। अग्नेय कोण साउथ ईस्ट, ये अग्नि की जगह है। यहाँ घर की दक्षिण पूर्व दिशा होती है, यहाँ अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इस दिशा में गैस, अग्नि का जलना, खाना बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि हो सकता है। बात करते हैं सातवीं दिशा नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट। यह घर के दक्षिण पश्चिम दिशा है। इस दिशा में खुलापन, हवा का चलायमान होना बहुत जरूरी है। खिड़कियां, दरवाजे, और विशेष रूप से इस ये जो दिशा है आपकी, ये एग्जैक्टली एयर के फ्लो के लिए दिशा है। घर के मुखिया का कमरा विशेष रूप से नैऋत्य कोण में बनाया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें,
बहुत सारे दरवाजे बहुत सारी खिड़कियां इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस बात को समझ लिया जाए। इस दिशा में का जो पृथ्वी तत्व का स्थान है, दिशा नैऋत्य कोण, इस दिशा का स्वामी राहु है और विशेष रूप से ये नागों की दिशा है। अब बात करेंगे व्यायव कोण की। व्यायव कोण यानी कि उत्तर पश्चिम की जो दिशा है, इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि हो सकता है। जितने भी जवान लड़के लड़कियां उनका कमरा यहाँ हो सकता है, लेकिन घर के स्वामी का कमरा इस दिशा में नहीं होना चाहिए। ये दिशा जो है लेट बात के लिए परफेक्ट मानी गई है और इस दिशा के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोताकर अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल लाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। वास्तु का सच में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, लेकिन जाने से पहले आपको ये जरूर कहूंगा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर दोस्तों, आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकता है। एक पुण्य जरूर कमाएं, शेयर जरूर करें। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।